तो मैं जंगल में आ चुकी हूँ। ये जंगल भी नहीं है, ये हमारा खेतों का एरिया है। पहले हमारी यहाँ पे खेती होती थी। तो चले जी, मैं लेवड़े की सब्जी काट दी है, थोड़ा बचे हुए हैं तो मेरे हस्बैंड जी काट रहे हैं। और मैं आ गई हूँ अपने लकड़ी वाले किचन में, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा सिलबट्टा भी। हम लोगों का खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ों से मेरे YouTube चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग में। मेरे गांव का नाम है कोटमा। कोटमा पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो गई है। और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है कोटमा वाले घर से, और हम नाश्ता करके एकदम तैयार भी हो गए हैं। और हस्बैंड जी को भी मैंने आज तैयार कर दिया है, और क्योंकि ये दिन भर घूम रहे हैं ना बाजार में, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम जा रहे हैं अभी जंगल लेवड़ों के लिए। तो हम लेवड़े लाएंगे आज, लेवड़े हम विशेष लाएंगे। क्यों? हम सोच रहे हैं कि अचार बनाएं, है ना। फिलहाल मैं अपनी रस्सी और थमाली पकड़ लेती हूँ, तो हम जा रहे हैं जंगल। साथ में आजकल ना पानी बहुत गंदा आ रहा है, तो हमें तो मैं जंगल में आ चुकी हूँ। ये जंगल भी नहीं है, ये हमारा खेतों का एरिया है। पहले हमारी यहाँ पे खेती होती थी, और मेरे हस्बैंड जी हैं उधर उस साइड पे, वहाँ लेंगड़े होते हैं ना, उस वहाँ जा रखे हैं। और बाकी यहाँ पे ना थोड़ा लकड़ी निकालूंगी मैं, और यहाँ पे भी ना ऊना बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है यहाँ पर भी हम लोगों को लेंगड़े मिले। और यहाँ पर ना हमने खेती 2013 के बाद हमने छोड़ दी थी, क्योंकि आपदा के बाद ना पूरा बह गया था, तो उसके बाद हम लोगों ने ये एरिया छोड़ दिया था। यहाँ पर हमने तो हम लोगों ने इतने लेवड़े निकाल दिए, और आज ना हमको लेवड़ों की आवश्यकता थी। आज लेवड़े भी नहीं मिले, मतलब 1 किलो के आसपास मिले होंगे। तो चलिए घर के लिए निकल पड़ते हैं, और मैंने इतनी लकड़ी निकाल दी है। तो यहाँ पे पहला विश्राम ले लिया है, और आजकल ना इतनी गर्मी हो रही कि क्या ही बताएं, भयंकर वाली धूप हो रही है ना, भयंकर धूप हो रही। ऐसी धूप में मतलब ऐसा मुश्किल हो रहा काम करना। और खेतों में ना हम 1-1 बजे तक रहते हैं, तो पता नहीं कैसे रहते हैं इस धूप में, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं जंगल से घर पहुंच गई हूं, और आजकल ना मैं अपना अपनी थकान दूर करने के लिए ना इसके पास आती हूं। हमारी थकान इसमें जाती है, ये सोता है, पर से ना आती। और सामने पे जो ये टीन है ना, दिन में इतनी चमकती है कि यहाँ पर तो मेरे जहाँ पर मैं बैठी हूँ ना, वहाँ पर मेरी आंखें बंद होती हैं। दिन में खतरनाक चमकता है ये। और आजकल ना जैसे ही धूप लग रही है, वैसे धुंध धुंध सी नजर आ रही है, पता नहीं क्यों एकदम साफ नहीं दिखाई दे रहा है, हल्की ऐसे लग रहा है जैसे हल्का धुंध सा होगा। और इतनी गर्मी हो रही है क्या ही बताए, इसका मतलब धुंध धुंध है, मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, है ना, ऐसी धुंध। और अभी ना मैंने जो ये लेवड़े का थैला है ना, वो लेवड़े भी चूंढे हैं, तो फिलहाल पहले अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो हम जो लेवड़े लाए थे जंगल से, उसको सब्जी के लिए काट देते हैं, और जो ये मोटे मोटे हैं ना, उनको हम अलग रख देंगे, है ना। और जो पतले पतले हैं, ये हमें सब्जी के लिए हैं इस समय। तो चले जी, मैं लेवड़े की सब्जी काट दी है, थोड़ा बचे हुए हैं तो मेरे हस्बैंड जी काट रहे हैं। और मैं आ गई हूँ अपने लकड़ी वाले किचन में, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा सिलबट्टा भी है, तो उसमें मैंने पीसने हैं गहत, क्योंकि मैंने सुबह जो गहत भिगाए थे, तो उनको पीसने वाली हूँ मैं।
तो मैं भिगोने वाली हूँ आज गेहूं की दाल। आज मैं गेहूं की दाल का फाड़ो बनाने वाली हूँ। ये है मेरे घर के तो चलिए जी, मैंने ये पीस के तैयार कर दिया है, ये पेस्ट बन गया है। तो अब इसका साग बनाएंगे। तो ये पीस के मैं किचन में लेके आ गई हूँ। आज खाना हम गैस में ही बनाएंगे क्योंकि दिन में ना काफी गर्म हो रहा है। तो मैंने जो ये पानी था भिगोया हुआ, तो ये भी ऐसे ही रखा है। और गैस में तो काफी मात्रा में प्रोटीन वगैरह विटामिन वगैरह मिलते हैं। और ये तो इसका जो ये पानी है ना, इसको अगर कोई पथरी स्टोन वाला पीता है ना, तो उसकी स्टोन मतलब एकदम समाप्त हो सकती है। और मैंने ये वाला पानी ना कई बार यूज कर रखा क्योंकि मुझे भी पथरी थी एक बार, तो मैंने भी। तो चलिए जी, हमारा फाड़ो भी उबलकर तैयार हो गया है, साथ में सब्जी भी तैयार हो गई है। और अब इसको नीचे उतारते हैं, उसके बाद हम चावल चढ़ाएंगे। बस हो गया है ना। चलो तो चलिए जी, हम लोगों का खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये थाली में भी परोस दिया है, साथ में फाड़ो, लेमड़े की सब्जी और छांस की बोतलें, छांस भी है। तो फटाफट से एक बार स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेते हैं। और ये इसका रंग ना काला काला है और रखा, क्योंकि गहत का कलर ही वैसे होता है और साथ में लोहे की कढ़ाई पे बनाया, तो इसका कलर शायद पीला पीला नहीं दिख रहा है।